आप भी दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के चाहने वाले हो तो पूरे 2 साल बाद आपको अपनी फेवरेट के पॉप आइडल जिनको लेकर इस तरह का नज़ारा देखने को मिलने वाला है। हाँ, आर्मी में बात कर रहा हूँ जिनके कोरिया से 2 साल बाद डिपार्ट होने की यानी एयरपोर्ट पर पहुँचने की। आप लोगों को पता ही है कि जिन पिछले ही महीने मिलिट्री से डिस्चार्ज होकर वापस आए हैं और पिछले 2 साल से वो कहीं भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए थे, लेकिन फाइनली हमें आपसे कुछ घंटे बाद जिनका एयरपोर्ट अराइवल देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो जिन फाइनली कल कोरिया से पेरिस के लिए रवाना होने वाले हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली उन्हें एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा और जिनका ये 2 साल में पहली बार एयरपोर्ट अराइवल होगा जब जिन कोरिया के फेमस इंचियोन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से वो पेरिस के लिए फ़्लाइट लेकर रवाना होंगे। बहुत सारे कोरियन मीडिया न्यूज़ चैनल्स ने तो ऑलरेडी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग अभी से स्टार्ट कर दी है, जिसमें अभी 21 घंटे बाकी हैं, यानी कि जिन कल 11th ऑफ जुलाई को कोरिया से पेरिस के लिए रवाना होंगे तो पहले ही माना जा रहा है कि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। फैंस जिनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए काफ़ी घंटों पहले से ही एयरपोर्ट पर लाइन लगा सकते हैं। मीडिया वाले ऑलरेडी वहाँ मौजूद होंगे तो जिनको बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पहुँचना होगा और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। बाकी बात रही, बहुत सारे फैंस ये सोच रहे होंगे कि कल तो सिर्फ 11th ऑफ जुलाई है तो जिन इतनी जल्दी कोरिया से पेरिस के लिए क्यों रवाना हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 27th ऑफ जुलाई को बहुत बड़ा दिन है जिन की लाइफ में, कोरिया की लाइफ में, क्योंकि जिन पहली बार कोरिया को ओलंपिक में टॉर्च बेयरर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिन मशाल जलाकर कोरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि उसमें अभी टाइम है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन इतने दिनों पहले पेरिस के लिए इसीलिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि जिनको पेरिस में कुछ फोटोशूट करने हैं, कुछ वैरायटी शोज शूट करने हैं, इंटरव्यूज देने हैं, तो इसीलिए कुछ दिन पहले जिन जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक के बाद एक कॉन्टेंट की बारिश होने वाली है, तो आप लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताना।